बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का स्तंभ लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बहुत चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक रेस कराई जाए। रेस में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले उस खंभे पर पहुंच जाएगा वही उस रेस का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन भी आ गया। चारों तरफ बहुत भीड़ जमा थी। आसपास के इलाकों से भी मेंढक आए हुए थे रेस में हिस्सा लेने के लिए। माहौल में गर्मा गर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर मच रहा था। रेस जैसे ही शुरू हुई लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक उस खंभे तक पहुंच पाएगा या नहीं। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे ये बहुत कठिन कार्य है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं था। इतने चिकने इस खंभे पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल कार्य था और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वह बार बार नीचे गिर जाता। कई मेंढक दो तीन बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, और वो उत्साहित मेंढकों को भी हताश कर रही थी। और कुछ मेंढक अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक भी था जो बार बार गिरने पर भी जोश के साथ ऊपर चढ़ने लगा। वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था और अंततः वह खंभे के शीर्ष पर पहुंच गया और इस रेस का विजेता वही घोषित हुआ। उसकी जीत पर सभी मेंढकों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी मेंढकों ने उसे चारों तरफ घेर लिया और उससे पूछने लगे, तुमने यह असंभव कार्य कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी एक पीछे से आवाज आई, अरे उस मेंढक से क्या पूछते हो, वो मेंढक तो बहरा है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत तो होती है, पर हम अपने चारों तरफ के नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक लेते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरे किए बिना ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कमजोर बनाने वाली आवाजों के प्रति बहरे हो जाएं और ऐसे एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा।